पहले मेटल की तारे आती थी, मेटल की तारे, अभी क्या है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, कांच, कांच होता है, कांच। इतनी सी तार में इतना तेज इंटरनेट आ जाता है। कोई सोवत है, कोई जागत है, आप सबका स्वैग से स्वागत है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा, जो पतिदेव ने आपको दिखाया था ना, वो चूहों ने तार काट दी थी वाईफाई की, वो फिर से उन्होंने काट दी है और इंटरनेट चला गया है, वाईफाई नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में वीडियोस ऑन करके पढ़ाना होता है, तो इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्लस पतिदेव की भी मीटिंग्स होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको भी काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंटरनेट ना होने की वजह से। हम जो आप सबके लिए व्लॉग्स बनाते हैं उनको भी अपलोड करने में काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ चूहे ने किस तरह से काटा है तार वाईफाई वाला। तो ये वो एरिया है जहाँ पे पूरा वाईफाई का कनेक्शन है और चूहे ने ये पूरा वायर काट दिया, आप देख सकते हैं। कंप्लेंट तो रजिस्टर करवाई है पतिदेव ने, अब देखते हैं वो भैया कब तक आते हैं, कब तक इसको ठीक करते हैं। ये देखिए, ये पूरा होल कर दिया है, एक बहुत ही जंगली मोटा चूहा था, उसने ये पूरा होल कर दिया और यहाँ से वो गया अंदर और उसने वायर काट दी। ये वायर भी काट दिया चूहे ने, पूरी ये पूरी वायर काट दी और साथ में उधर होल भी कर दिया बड़ा सा। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था, ये देखिए पूरी उसने वायर काट दिया है, यहाँ पे पूरी गंदगी फैला दी थी, अब तो खैर हमने वो साफ करवा दिया है, तो अभी वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा है, पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है मामला। भगवान करे जल्दी से ये पूरा ठीक हो जाए। ये देखो, ये होल जो मैंने आपको भी बाहर से दिखाया था ना, ये वही होल है जहाँ से चूहे ने एंटर किया और वायर काट दी। इस होल से वो जंगली मोटा चूहा आया और उसने वाईफाई की वो वायर काट के पूरा इंटरनेट कनेक्शन को मतलब भगा दिया। मम्मी, चूहा फिर से तार काट गया उसकी वाईफाई की। नाम नहीं लेना, कल ही तो बंटी को समझाया नाम नहीं लेना, तभी तो घर से याद ही रहा। अरे लेकिन फिर मैं कैसे बोलूं, ऐसे बोलूं वो आतंकवादी आतंक मचा गया, तार काट गया, बोलो समझ जाएंगे, लेकिन नाम नहीं लेना वैसे उसका। अच्छा, कभी घर से जाने का नाम नहीं लेना। अच्छा ठीक है। पापा आप ये सोच रहे हो पहनने की प्रियंका की शादी में? नहीं नहीं सोच नहीं, अभी तो निकाले हैं सारे कपड़े। अच्छा, अगर कुछ ले जाने लायक होंगे तो ले जाऊंगा। अच्छा, शॉर्टलिस्ट करोगे मतलब? अभी करूंगा, अभी यहाँ नए बनवाने हैं तो नए, टाइम नहीं है ना। हाँ जी, अभी तो शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, पापा के कपड़े, हमारे कपड़े, प्रियंका की शादी की तैयारियां चल रही हैं। दीदी, मम्मी पापा की तो पूरी तैयारियां चल रही हैं शादी की, आपने कुछ किया शॉर्ट लिस्ट अभी तक अपने लिए जो पहनना है? किसके लिए? प्रियंका की शादी के लिए। मेरे को बुलाया? अरे तो शॉर्ट लिस्ट करने रखना चाहिए ना। आई नहीं शादी पे, शादी हो रही है कानपुर में, मुझे बुलाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि 25 लोगों की ही गैदरिंग है, तो मम्मी पापा जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा, मुझे बुलाया नहीं है, कोई इनविटेशन नहीं है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। पापा मैंने आपके लिए टी शर्ट मंगवाई है, ये अच्छा। आपको लाइट कलर्स पसंद है ना? हाँ बहुत पसंद, बढ़िया है, कलर तो अच्छा है। अच्छा लगा आपको? पिंक कलर तो है नहीं मेरे पास, बहुत बढ़िया। पिंक कलर है नहीं आपके पास? चलो आप पहन के देखना, पहन के दिखाना। वेरी गुड, थैंक यू। हमारी YouTube फैमिली से बहुत डिमांड आ रही थी कि हम लाइव आए, तो फाइनली हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम लाइव आएंगे। सो फाइनली हम जल्दी लाइव आएंगे, लेकिन आप शायद हमसे कुछ पूछना भी चाहेंगे, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप हमसे पूछना चाहेंगे, मम्मी पापा, मुझसे, पतिदेव से, किसी से भी। तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली है, उस कम्युनिटी पोस्ट पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इंक्लूड कर सके जब भी हम लाइव सेशन में आएंगे। तो जल्दी जाइए और कम्युनिटी पोस्ट पर जल्दी से अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए जो आप हमसे पूछना चाहते हैं। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है उसके लिए हमने आपसे आपकी वीडियोज मांगी है, तो जल्दी से वीडियोज बनाइए और हमें भेजिए djrahulbhatia@gmail.com पर आप वीडियोज भेज सकते हैं। और अगर आप आईडी भूल जाएं तो आईडी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन्ड है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप जब वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो आपको फोन का जो कैमरा है वो ऐसे रिकॉर्ड करनी है, आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको वीडियो ऐसे रिकॉर्ड करनी है हॉरिजॉन्टल वे में फोन को रखकर। तो जल्दी से वीडियोस बनाइए, अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें भेजिए, आपको क्या अच्छा लगता है चैनल में जल्दी से बनाइए, हम बहुत एक्साइटेड हैं कि आपसे हमें क्या मैसेज आने वाले हैं, आप क्या वीडियोस में भेजने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियोस बनाइए और मेल कीजिए। मीनाक्षी कल आपने मम्मी के साथ चाची के यहाँ चले जाना, उनके यहाँ फंक्शन है। ठीक है पापा। और कल मैंने ड्राइवर का इंतजाम कर दिया तुम्हारे दोनों के लिए, तो थोड़ा सा ऐसा होता है ना गर्मी है धूप है, तो अपने घर को ड्राइव करने से अच्छा है साथ ले जाओ, क्योंकि हो सकता है ना फंक्शन से कहीं आप दूर गाड़ी ड्राइव करो और ड्राइव करने के बाद जो है फिर वहां पर पैदल आओ वहां से जी, तो आजकल टाइम ठीक नहीं है, तो आप वहीं उतरना डेस्टिनेशन पे जहाँ पे फंक्शन है और उसके बाद ड्राइवर के साथ वापस आ जाना। ठीक है पापा, ठीक है। आपने ड्राइवर कराया? हाँ, पर डे वाला। पर डे कितने पैसे दिए? 600 600 रुपए एक दिन के? हाँ तो क्या महंगे नहीं है?
इससे बढ़िया तो ओला उबर में चले जाते। यार तू भी बच्चों वाली बात करता है ऐसे, मतलब ओला उबर में सारा सुकुमार घूमते रहते क्या? गजब बेइज्जती है। ओला उबर क्यों करेगा, 600 रुपए ठीक है, कोई बात ज्यादा नहीं है। तो मैं तो सोच रहा था तू दूंगा, तेरी बीवी जा रही है ना, मैं थोड़ी जा रहा हूँ। तो आपकी बीवी तो जा रही है तो 300 रुपए दूंगा मैं। हाँ जी, तू बोल नहीं सकता था कि आपकी बीवी भी तो जा रही है? वाह क्या बात है, अच्छा डायलॉग बोला है, पहले की नहीं बताया आपने वाला डायलॉग। बोल चुके हैं हम ये वाला डायलॉग, तो रहन दो फिर। थैंक यू, हमारी 10,000 की फैमिली पूरी हो गई है और हम जो है ना छोटी सी पार्टी कर रहे हैं इस खुशी में। आप भी हमारे पार्टी में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी ना वीडियोस भेजो, बहुत मजा आने वाला है। आप हमें वीडियोस भेजोगे, हम आपको भी देखेंगे और आपकी वीडियोस जितनी भी वीडियोस आएंगी मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी वीडियोस की एक प्रॉपर एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पर डालूं कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। आपको मुझे कोई मैसेज देना है, पापा को या फिर मीनाक्षी को या चीकू या मम्मी को, तो उनका नाम लेके आप मैसेज भी दे सकते हैं और फोन ऐसे पकड़ना, मीनाक्षी ने बता दिया होगा। बाय द वे क्या क्या है ये दिखाता हूँ। तो ये हमने मंगाया है बटर चिकन और ये जो है मीनाक्षी के लिए पनीर वेज है, मीनाक्षी चटनी है और ये सिरके वाला प्याज। तो छोटी सी सेलिब्रेशन, थैंक यू दिल से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 10,000 फैमिलीज, 10,000 फैमिली, मेरे मुंह से 10 मिलियन निकलने वाला था बट ठीक है निकल गया तो अच्छी बात है। 10 मिलियन कब हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा। तो थैंक्स। क्या है, आज मैंने सूट अच्छा भी नहीं पहना फिर भी मेरे व्लॉगिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे हो, गलत बात है। पहले अरे बहुत अच्छा सूट है, आप लोग बताओ मम्मी का सूट अच्छा है ना, सच्ची सच्ची होता ना मम्मी का सूट अच्छा लग रहा है। मम्मी को ना बड़ी, मम्मी ना बड़ी कॉन्शियस हो जाती है, मम्मी और मीनाक्षी की मैं ना अच्छी नहीं लग रही, ओ कैमरा भी ऑन मत करो, अच्छी नहीं लग रही। और क्या कितने लोग देखते हैं यार, तो यही तो बात है। अब मैं निक्कर में भी बैठा होता हूँ, टी शर्ट में भी बैठा होता हूँ, कैसे भी हो रहे होते हैं, बाल कैसे हो रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे आप हो वैसे प्रेजेंट करना चाहिए ना। चलो ठीक है। आ जाओ। ये कट गई है तार, ये तार कट गई है पीछे से, यहाँ से तार कट गई है, यहाँ से तार छोटी हो गई है तो ऊपर से खींचनी पड़ेगी। हाँ तू कहाँ जा रहा, तेरे को भी आता है ठीक करना, इसको पहले जाना है। जाओ चलो जाओ। क्लिपिंग लेना, क्लिपिंग कहाँ से काटी है? ये आपकी काटी नहीं गैलरी में, अब यहाँ से निकल गई बाहर। हाँ ये इधर से खींच गया, तो अब नीचे से कैसे होगी फिर? हो जाएगी। पहले मेटल की तारे आती थी, मेटल की तारे, अभी क्या है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, कांच, कांच होता है, कांच। अभी दिखाता हूँ। और इसको जोड़ने के लिए ये कंप्यूटर टाइप मशीनें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, 1, 2, 3 पता नहीं क्या क्या, इतनी बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए हैं। दिखाना फाइबर, इतनी सी तार में इतना तेज इंटरनेट आ जाता है। इसमें दो हैं। ओ भाई साहब, हमें एक ही तारीफ करनी है बस, अब एक करनी है। अब इसमें बहुत तेज इंटरनेट आ जाता है इतनी सी में जी। 100 Mbps का इंटरनेट है ना इसमें, 300-500 सारे चलेंगे, 300-500 सारे इसमें चलेंगे। पहले मेटल की तार होती थी तो उसको ऐसे ऐसे आपस में जोड़ के जोड़ देते थे, लेकिन अब फाइबर ऑप्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर कंप्यूटर, प्रॉपर मशीन उसके अंदर जाता है और ऐसे ही कनेक्ट होता है। अब जहाँ से पहले चूहा घुसता था, चूहा यहाँ से घुसता था, तो हमने तार का डायरेक्शन चेंज कर और यहाँ से ऐसे हमने घुसा दिया और साइड से निकाला, यहाँ से रास्ता ही चेंज कर दिया हमने। अब हमने क्या करा, जो तार आ रही थी ना वो निकाली यहाँ से, पहले वहाँ से आ रही थी तो जहाँ से चूहा आ जाता था और चूहा तार काट देता था, 3 बार काट चुका है। अब यहाँ से तार निकाली, यहाँ पे जो डब्बा लगाना था इसने डब्बा लगाया और ये यहाँ से हमने जो वाईफाई है वो यहाँ रख दिया, तो जिसकी वजह से हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अब चूहा नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन चूहा का रास्ता वहाँ से तो ये काटेगा नहीं। पहले एक अच्छी चीज़ हो गई, वाईफाई का जो बॉक्स है मैंने थोड़ा ऊपर लगवा दिया तो ऊपर वाले कमरे में भी बढ़िया वाईफाई आएगा। है? हाँ। मतलब ऊपर क्लास ले पाऊंगा आराम से? हाँ। अरे वाह, थैंक यू पति देवी, आप ही कर सकते हो ये, मतलब ऐसे चमत्कार कर ही नहीं सकता। चमत्कार तभी तो मैं आपको अपने हीरो बोलती हूँ। सही बात, डायलॉग मिलवा लो इससे। मैंने अभी तक जो ऊपर जो टीवी है मैंने इंस्टॉल क्यों नहीं की थी? क्योंकि टीवी चलनी है वाईफाई से और वाईफाई ऊपर कनेक्शन आता नहीं है, तो मैंने कहा टीवी इंस्टॉल करके क्या फायदा। अच्छा। अगर वाईफाई नहीं आ रहा तो वाईफाई थोड़ा ऊपर करा तो अब टीवी इंस्टॉल करेंगे ये, फिर हॉरर मूवी देखेंगे रात को बैठ के। हॉरर मूवी तुझे देखने की जरूरत,
तुझे देखने की जरूरत क्या है? वैसे हॉरर से याद आया, याद है एक बार उस दिन क्या हुआ था? हाँ, याद है। मतलब हमें कुछ दिखा था, वो एपिसोड का लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर वो देखना हो तो वो देख सकते हो। बट मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, लेकिन तुझे आपको भी नहीं करना चाहिए, गलत चीज है, उसके बारे में बात नहीं करना। अरे होते हैं। फाइनली खाना को लगे हुए 1.5 घंटा हो चुका है, अब आप खाना खा रहे हो वाईफाई ठीक करवाने के बाद। एक बात बताऊं, मतलब मैंने आज ऐसा एक्सपीरियंस करा लाइफ में जो एक्चुअली में एक बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए। खाना मैंने पूरा लगा दिया था, सब्जी मैंने लगा दी थी, रोटी नान यहाँ पे रख दिए थे, प्याज भी लगा दिया था, उसमें चटनी भी डाल दी थी। लेकिन उसी टाइम मैं ऐसे उठाने वाला था, घंटी बजी इंटरनेट वाले भैया की, तो मुझे तो पता नहीं था कौन है। मैं बाहर गया, देखा तो इंटरनेट वाले भैया, अब उसके सामने खाना भी नहीं खा सकता और इंटरनेट ठीक कराना भी जरूरी था। तो निवाला यहां तक आने के बाद भी मुंह के अंदर नहीं गया, तो ये एक चीज दर्शाता है कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता है, ये मैंने मान लिया है। तो आप भी ये बात मान ले, मैं तो बहुत विश्वास रखता हूं कि ऊपर वाले की जब तक मर्जी नहीं होती ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो कभी भी घमंड नहीं रखना है, ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करना है, थैंक यू भगवान, थैंक यू आपने हमें खाना दिया। मैं हमेशा खाना खाने से पहले हाथ जोड़ता हूँ, थैंक यू हम दोनों को मिलवाया, इसमें भगवान की मर्जी थी ना पति, हर चीज में भगवान की मर्जी है। और जो टाइम होता है, जैसे आपने खाना खाया, अभी आपका टाइम नहीं था, आपका टाइम 4 बजे नहीं 5:30 बजे का टाइम था खाना खाने का, 6 बजे, उसी समय आपकी ग्रह अंदर जाएगी। तो हर चीज समय से होती है, मम्मी के कहने का मतलब है टाइम से मिल। और जो भी आपकी लाइफ में हो रहा, मैं कहना चाह रहा था, आप उसके लिए थैंक यू बोलो, वो अच्छा है या बुरा है वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही होगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, है ना? बिल्कुल। तो पापा ने फाइनली वो टी शर्ट पहन ली है जो मैंने उनको दी थी, अब उनसे पूछते हैं कि उनको कैसी लगी। पापा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबल है और कपड़ा बहुत फाइन है, और मेरा मनपसंद कलर है, मेन चीज ये फेवरेट कलर आपको ये, क्योंकि मैं लाइट कलर ज्यादा पसंद करता हूँ शर्ट्स में, टी शर्ट में, तो बहुत अच्छा है। तभी मैंने आपके लाइट कलर मंगवाया, फिटिंग सही है ना इसकी? बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी फिटिंग है। और थैंक यू, वेलकम पापा, थैंक यू।